दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पैरामीटर और आर्गुमेंट क्या है। जो कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पैरामीटर और आर्गुमेंट का यूज फंक्शन में होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में उसका यूज हम आज कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन बना लेता हूं, फंक्शन ए बी सी और उसका कोड ब्लॉक। और यहां पे मैं अलर्ट ले लेता हूं पहला, और यहां पे मैं दो वेरिएबल ले लेता हूं। पहले मैं आपको बताता हूं कि दो वेरिएबल मैंने बोला। हाँ, तो पैरामीटर्स और आर्गुमेंट क्या है? पैरामीटर्स दोस्तों वो चीज है कि जो अनडिफाइंड वेरिएबल यानी कि हमने कभी वेरिएबल को लिया नहीं है, यानी कि डिक्लेयर नहीं किया है, फिर भी हम उसका यूज करते हैं, तो उसका यूज जो होता है उसे हम बोलते हैं पैरामीटर्स। और जो अनडिफाइंड वेरिएबल की जो वैल्यूज होती है उसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो एबीसी में मैं यहाँ पे S1 और S2 का नेम का जो वेरिएबल है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो जी, जो मैंने यहाँ पे S1 और S2 का वेरिएबल डिफाइन किया है यहाँ पे, उसे हम क्या बोलेंगे? पैरामीटर्स। क्या बोलेंगे? पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहां पे मैं पैरामीटर्स लिख देता हूं आपके सामने और यहां पे मैं पेस्ट कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या है। इसे मैं पहले कमेंट कर देता हूं। तो ये है पैरामीटर्स। ठीक है, तो अनडिफाइंड वेरिएबल, ठीक है, अनडिफाइंड वेरिएबल यहां पे मैं लिख देता हूं अनडिफाइंड वेरिएबल, तो आपको पता चल जाएगा पैरामीटर्स क्या है, अनडिफाइंड वेरिएबल। ठीक है, अब मैं यहां पे अलर्ट के अंदर उस वेरिएबल को मैं प्लस करवा देता हूं, यानी कि उसका एडिशन करवा देता हूं, यानी S1 प्लस S2। ठीक है, और यहां पे मैं इसे सेव कर लेता हूं। तो यहां पे मैं अब क्या करता हूं, बटन पे इसको मैं क्लिक करवाना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्लिक। ठीक है, और यहां पे ऑन क्लिक इवेंट से मैं उस फंक्शन को यहां पे एबीसी को कॉल करवा देता हूं। ठीक है, और इसे अब मैं सेव कर लेता हूं और यहां पे आउटपुट पे जाके मैं रिफ्रेश देता हूं। तो यहां पे बटन आ गया। जब मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास NaN आ गया, यानी कि इसका मतलब है नन। तो नन और नल बोल सकते हैं उसे हम, यानी कि जो पैरामीटर्स मिल गए हैं, यानी कि उसकी जो आर्ग्यूमेंट है वो इसे नहीं मिली। तो आर्ग्यूमेंट है वो यहां से मैं डायरेक्टली कॉल करवा देता हूं। ठीक है, और 5। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूं, और यहां पहले मैं सेव कर लेता हूं और जाके रिफ्रेश कर लेता हूं और यहां पे क्लिक करता हूं तो आपके सामने 10 आ गए हैं। तो ये 10 कहां से है, आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पहले से समझाता हूँ। ठीक है, तो पहले फंक्शन क्रिएट किया, उसमें एक एबीसी फंक्शन क्रिएट कर लिया, उसमें मैंने अनडिफाइंड वेरिएबल यानी कि पैरामीटर पास करवा दिए। ठीक है, पैरामीटर डाल दिए, इस दोनों वेरिएबल को मैंने कहीं पे डिक्लेयर नहीं किया है, मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ इसलिए उसे क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। ठीक है, अभी अलर्ट में उन दोनों वेरिएबल को मैंने काउंट करवा दिया, यानी कि उसका एडिशन करवा दिया। ठीक है, यानी कि उसमें जो दो वैल्यू आएगी उसका एडिशन हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑन क्लिक पे वो फंक्शन को मैंने कॉल किया एबीसी फंक्शन को। कौन सा फंक्शन को? एबीसी फंक्शन को। तो यहाँ पे उसके जो दो पैरामीटर थे उस दोनों पैरामीटर की मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी। तो डायरेक्टली मैंने वैल्यू डाल दी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, यानी कि पैरामीटर्स की वैल्यू है उसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। हाँ, तो आप देख सकते हैं जो पहला 5 है वो यहां पे डायरेक्टली स्टोर हो गया S1 में, और ये दूसरा 5 है वो डायरेक्टली स्टोर हो गया S2 में, यानी कि हमें यहाँ पे वेरिएबल कहीं भी डिक्लेयर नहीं करना पड़ा, इसलिए इसको बोलते हैं पैरामीटर्स, और पैरामीटर्स की वैल्यू उसे बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यहां पे मैंने हाँ अनडिफाइंड। ठीक है,
तो यहाँ पे पैरामीटर्स और आर्गुमेंट क्या है मैंने आपको समझा दिया है, फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि जो एबीसी फंक्शन में मैंने डायरेक्ट मैंने वेरिएबल कॉल करवा दिए वो है पैरामीटर्स, क्योंकि वो अनडिफाइंड वेरिएबल है, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है यानी कि अनडिफाइंड वेरिएबल यानी कि पैरामीटर्स की वैल्यू, उसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं क्लिक करूंगा तो एबीसी में 5 और 5 मिलेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली ये यहाँ पे चला जाएगा, पहला 5 S1 में स्टोर कर देगा, दूसरा 5 S2 में स्टोर कर देगा, और यहाँ पे डायरेक्टली अलर्ट कॉल हो जाएगा, अलर्ट में उसकी उसका जो है एडिशन वो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपके सामने 10 आ चुके हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पैरामीटर्स किसे बोलते हैं और आर्ग्यूमेंट किसे बोलते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है, आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप दूसरी बार तीसरी बार चौथी बार 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 वीडियो देखेगा, आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।